हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए हमारे। तो ये बना रही है अभी नाश्ता, और ये बना रही है आज नए तरह का पराठा, है ना? ये ना मैंने ना वो इनको ना खाने पीने का शौक नहीं है, मतलब अलग अलग तरीके का शौक है ना तेरे को ना, जैसे कि होना चाहिए अलग अलग तरीके की। शिवा तो यहाँ पे सो रखा है अभी। तो ये बना दिया है इसने नए तरह का पराठा। वीडियो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी, शॉर्ट्स में डाल देंगे हम वीडियो की कैसे बनाया कैसे नहीं। तो अब मैं खाता हूँ पराठा। दूसरा भी ऐसे बनाऊं? तो लेके आ गई पराठे, करते हैं अब नाश्ता। लच्छा पराठा। चाय भी लिया तो शिवा भी उठी है अभी। क्या पाठा खाएगा? पाठा खाना बोल। शिवा तो अपना उतर गया नीचे, आ रहे अभी। तो हमारा कुछ पार्सल आया नीचे, चलते हैं। मोबाइल ले आइयो। अच्छा शिवा, तो ये खड़ा है पार्सल वाला भाई, हमने कुछ मंगाया था, उसको दिखाते हैं। अब आपको भी आने दो, वो खड़ा है। तो हमारा ना फ्रिज आ गया है, तो चेक वगैरह हो गया, तो इसको ऊपर लेके चलते हैं हम। तो फ्रिज आ गया हमारा घर पे। सुबह से इंतजार था हमें। ये शिवा का गुजारा, शिवा से भी छोटा, शिवा के बराबर। ओ भाई थक सी लग गई। खोलो शिवा, देखो क्या कर रहा है। अपनी पेटी इसने खाली करी, इसके ऊपर रख दी। बच्चों का दिमाग भी ना कहाँ से काम करता। तो ये हमने कर दिया है फ्रिज यहाँ पे सेट, ओवन के पास में। शिवा तो अपना लगा पड़ा है दंगा मस्ती करने में। कैसा लगा? बहुत अच्छा, हमारा दूध नहीं फटेगा। अच्छा, तक अभी उसको ना 12 बजे ऑन करेंगे। अच्छा, 2 घंटे बाद ना। तो इसको ना मैंने बड़ी मुश्किल से मना के ना बिठाया हुआ है यहाँ पे, और आज तो रूम की हालत देखो कैसी हो रही। और 10 बज गया है, और दिन 10 बजे मेरा काम कुम हो ही जाता है। लेकिन और आज तो सबसे बड़ी खुशी मुझे तो अपने फ्रिज की मिल रही है, क्योंकि फ्रिज की तो मतलब रहती है ना। और हमने ना जो ये वाला फ्रिज है, मतलब ये ऐसे ही है 9000 के लगभग। तो हमने ये, हमको तो बड़ा भी मिल जाता है, इतने में तो अच्छा खासा फ्रिज मिल जाता, थोड़ा मतलब ठीक ठाक मिल जाता। लेकिन हमको यही वाला चाहिए था, क्योंकि हमको ज़्यादा ना मतलब वही है कि अभी की ज़रूरत के हिसाब से, बात की तो देखी जाएगी क्या है क्या नहीं है। तो हम दो ही हैं, शिवा तो अभी छोटा ही है, तो दूध वगैरह रखने के लिए बस, और थोड़ा बहुत पानी पुनी जो भी होता है, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत है, सही है। तो इसलिए हमने यही लिया। तो फिलहाल ना मैंने किचन का ना ऐसा कर दिया, ओवन मैंने इस साइड रख लिया, और ये देखो ऐसे मैंने ये सामान रखने के लिए यहाँ वो कर दिया है इधर पीछे, छोटा मोटा सामान ना। और फ्रिज में मैंने यहाँ पे रख लिया, और यहाँ पे ना थोड़ा जगह खाली सी हो गई, तो ये आ गया है। और यहाँ पे ना बर्तन वगैरह धोते हैं, तो फ्रिज यहाँ पे तब किनारे पे सही नहीं रहता, बर्तन कहाँ रखती मैं फिर ना। तो मैंने ऐसे कर लिया। फिलहाल अभी सफाई वगैरह करनी है किचन की, पर मैंने सेट सा कर लिया। जो यहाँ पे बर्तनों की रैक थी ना, रुक जाए एक मिनट, जो बर्तनों की रैक थी ना मैंने यहाँ रख ली, यहाँ नीचे आ गई साफ करके ऐसे। तो हम ही दोनों हैं, तो हम तो मैनेज कर ही लेते हैं, तो बड़ा परिवार तुम्हारा है नहीं, ऐसे रख लिया मैंने। और अभी 11:15 बज गया। शिवा ना बहुत ज़्यादा ना मेरे को परेशान कर रहा है, क्योंकि
ये भी एक्साइटमेंट में, मतलब इसको ये हो रही कि मेरे को भी दिखा, मेरे को भी ये कर, तो मेरे काम करना ही नहीं दे रहा है। बर्तन रखने दे रहा है, नहाना नहीं हो रखा है, देख रहे बोला मेरे को खोल के दिखा, वहीं खड़े रह के फ्रिज के साथ। अब क्या करूँ बताओ, इस बच्चे ने ना मेरी इतनी जान खाई कि मेरे को टब में बिठा दे, तो मैंने इसको अब टब में बिठा दिया। अच्छा लग रहा, खुश हो रहा अब। और मैंने इसके लिए ना मैं कपड़े निकालती हूँ, और घर की हालत देखो मेरी आज ऐसी हो रही, तो कपड़े कपड़े निकालती हूँ। तो अभी खाने में बना रही हूँ पुलाव, तो थोड़ा इसको ऐसे करके पकाऊंगी, सीटी नहीं लगाऊंगी क्योंकि शिवा भी सो रहा है, और ऐसे करके ना ठीक ठाक से बन जाता है अच्छे से। और घर की सफाई हो गई है, और बज रहा है एक, शिवा सो रहा है। तो नहा लिया है मैंने, और नहा करके ना सीधा पुलाव ही बनाया, और सारी सफाई हो गई है, बस मुझे धुलने हैं बर्तन। तो मैंने बर्तन छोड़ दिए थे, मैंने कहा चलो ये तो काम बाद में हो जाएगा, पहले झाड़ू पोछा, मतलब बहुत बिखरा हुआ था ना सुबह का, बहुत ही ज़्यादा हो रखा था, और शिवा भी परेशान कर रहा था, तो आज एक गोदी गोदी में ही था, तो मैं हालत नहीं, बहुत थकान सी हो गई थी। तो मैं थोड़े बन जाएंगे ना, तो मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी, लेकिन सिट्टी नहीं आने दूंगी, नहीं तो ज़्यादा गल जाएंगे। और फिलहाल यही काम है अभी का, और बिंदी वगैरह बाद में ही लगाऊंगी, पहले ना और काम कर लेती हूँ। शिवा ना उठ गया था, अब फिर दोबारा सो गया, तो शिवा भी चाहता था कि ना मेरी माँ ना थोड़ा कमर सीधी कर ले, क्योंकि अगर ये उठता नहीं तो मैं ऐसे बैठी नहीं रहती। लोग 15 मिनट से मैं थोड़ा आराम करती वो, और पुलाव वगैरह बन गया है, कुकर मैंने खोला नहीं, अभी देखूंगी क्या हाल है कुकर के। बर्तन बर्तन तो मेरे ऐसे ही रह गए, तो चलो कोई नहीं, बात की बात है। तो हेलो दोस्तों, अभी आ गए हमें घर पे, बज रहे हैं 1:30। शिबू हाय, कहाँ खा रहे हो? पप्पा खा रहे हो यहाँ बैठे हुए? तो ये बर्तन धो रही है, चला दिया था ये, ठीक है। तो अभी खाते हो खाना, खाने में है पुलाव। क्या हो गया, क्या हुआ भाई, बंद कर दिया वो? ले ले जो लेना है, चलो ले लो। शिवा कहाँ से आवाज आ रही, कहाँ से आ रही आवाज, कौन बोल रहा, कौन? माचा ही आवाज, उठ गए भाई ये तो। चक्कर चक्कर आ जाए अब। तो अभी हम घूम के आ रखे ना, शिवा और आसुना आपस में बात कर रहे, शिवा उसको ना बैठने नहीं दे रहा गाड़ी में, हाथ भी नहीं लगाने दे रहा, हाथ भी नहीं लगाने दे रहा उसको, दोनों बातें कर रहे। आ करके ना सबसे पहले जोत जलाई है मैंने, और दाल चढ़ा दी है, तो तड़का वगैरह बाद में लगाऊंगी, ऐसे ही सिंपल से, मतलब सिट्टी लगवा दूंगी अभी। शिवू नहीं, ये ना पानी गिरा रहा है यहाँ। अभी ना हम घूमने गए थे, तो मैंने ये ली है छोटी सी कढ़ाई, मुझे ना एक छोटी सी कढ़ाई लेनी थी, कब से सोच रही थी मैं ये दाल में तड़का वगैरह लगाने के लिए, मैगी मुगी बनाने के लिए ना, ले 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 ले, जो कढ़ाई चाहिए अब। आज तो इसने मेरे को इतना घुमा के लेके आई ना मम्मा, आपको खेलो, आप घोड़े के साथ खेलो, लग जाएगी पीछे। तो इस कढ़ाई में ना, नई कढ़ाई में मैंने तड़का लगा लिया है, और बड़ी मस्त हो रही, मतलब ऐसे पकड़ने की ना जरूरत भी नहीं पड़ रही है, तो अच्छा अच्छा सा लग रहा है खाना बनाने में। अरे यहाँ मैं थोड़ा सा पुलाव बचा हुआ था उसको गर्म कर रही हूँ, मैंने कुकर में ही डाल दिया अभी, इस वाले कुकर में ना, जो मतलब जिसमें दाल बॉयल करी हुई थी, तो गर्म हो ही रहा है। आज ना मेरी पूरी किचन ना पूरी सेट सी हो गई है,
ये बर्तन वगैरह भी धो दिया है मैंने, तो फिलहाल ऐसी दिख रही है मेरी किचन। और ये धनिया मैं यहाँ पीछे ना खेत से, मतलब दीदी ने दिया मुझे, तो इसको साफ़ करके अभी तो मैंने दाल में डालने के लिए धो के थोड़ा डाल दिया, फिर मैं इसको साफ़ करके ना डब्बे में रख के फ्रिज में ही रख दूँगी। अब तो सब सही सा हो गया, मतलब कुछ भी चीज़ ना फ्रिज में रख दो ख़राब नहीं होगी। तो फिलहाल मैंने इतना इतना सामान हो रखा है, आटा दूध वगैरह भी खाली कर दिया, लोटे में डाल दिया, ये सामान हो रखा है बस। मतलब हमारे इतनी ही ज़रूरत होती है ना, फालतू में बड़ा फ्रिज सही नहीं था तो ठीक है इतना सा। और मैंने शिवा ने वो पुलाव खा लिया गरम करके, बर्तन वगैरह भी धुल दिए हैं, अब आटा भी गून के रखा हुआ है, सुबह का ही है तो जब आएंगे तब खाएंगे। ये डॉगी देखा, बड़ी मुश्किल से बिठाया मैंने उसको, बड़ी मुश्किल से इस पर कि थोड़ा आराम मिल जाए, काम कर लो। तो हेलो दोस्तों, भी आ गया हूँ मैं घर पे, बज रहे 9, सो गया। दूध लेके आया हूँ, दूध रख दो। तो अभी खाता हूँ खाना, खाने में है चने की दाल, ये मूंग की दाल है, है? चने की दाल है कि मूंग की दाल? तो मूंग की दाल और रोटी और प्याज। ये दूध गर्म कर रही है, इसकी थोड़ी तबीयत भी ढीली सी हो रखी है, दवाई लेके आया था इसके लिए अभी। तो हेलो दोस्तों, ऐसा रहा आज का दिन, और अब आराम करते हैं, खाना पीना हो गया था, मिलते फिर कल नए ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, बाय बाय।